हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। तो आज अपना हम बनाएंगे अपना फोर्थ पैटर्न की वीडियो। तीन ऑलरेडी आ चुकी है, जाकर उन्हें भी आप देख सकते हो, ठीक है। अब थोड़ा पहले तीन थोड़ा इजी थे, ठीक है, थोड़ा सा अब इसमें डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा। तो सबसे पहले हम पैटर्न को देखेंगे, क्या पैटर्न हमें बनाना है, फिर उसके अप्रोच को देखेंगे, फिर उसको जाकर करेंगे अपना कोड, ठीक है। तो सबसे पहले पैटर्न देखते हैं, ठीक है। जो हम पैटर्न बना रहे होंगे उसका नाम है अपना पैलिंड्रोम ट्रैंगुलर, ठीक है। जैसा पहले वीडियो में आपको बताया कि सब नाम सब नेट से उठाए हुए हैं, ठीक है। और जो डिफरेंट डिफरेंट तरह के मैं अपना पैटर्न लेकर आ रहा हूँ वो भी नेट से ही लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। पर उनका कोड नेट से नहीं लेकर आएंगे, कोड खुद करेंगे, ठीक है। जितना हो सके लॉजिक बिल्डिंग के ऊपर कोड होगा, ऐसा नहीं होगा कि किसी भी तरह से बस अपना बना दो पैटर्न। ऐसा नहीं होगा कि मल्टीपल लूप यूज करके आप बना दो, ठीक है। अगर कोई ऐसा एग्जाम्पल लग गया आता भी है तो उसको भी डिस्कस करेंगे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जितना कोशिश करेंगे वो दो लूप के अंदर ही कोशिश करेंगे खत्म करने की पैटर्न को। तो सबसे पहले पैटर्न देखते हैं अपने पास क्या कह रहा है। पैटर्न कह रहा है कि यूजर ने मान लो आपको चार दिया, ठीक है। तो आपको क्या प्रिंट करना है, आपको प्रिंट करना है वन। अब पैलिंड्रोम है 2 1 2, ये लाइन भी पैलिंड्रोम। फिर 3 2 1 2 3, ये भी पैलिंड्रोम। 4 3 2 1 2 3 4, ये पैलिंड्रोम। इस तरह से अपना पैलिंड्रोम ट्रायंगुलर पैटर्न बनकर आना चाहिए, ठीक है। अब हम कुछ इस तरह का नहीं करेंगे कि एक आउटर लूप लगा देंगे और उसके अंदर मल्टीपल लूप, जैसा आप नेट पर इसका सोल्यूशन देख भी सकते हो, ठीक है। इस तरह के सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हम वो वाले सोल्यूशन यूज नहीं करेंगे। हम दो लूप से ही सिर्फ इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। किसी भी तरह का कॉम्प्लेक्स अपना लॉजिक बने उसको बनाएंगे, ठीक है। हमारी लॉजिक बिल्डिंग भी बढ़ेगी, सारी चीज़ अपना अच्छी होगी उस तरह से, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमें करना क्या है भाई, कि हमारे पास जो लूप है वो कितनी, मतलब कितनी बार चल रही होगी, ठीक है। सबसे पहले अगर यूज़र ने 4 डाला तो रो देखो, 1 2 3 4, रो तो 4 ही आ रही है। कॉलम की बात करें, 1 2 3 4 5 6 7, कॉलम भाई 7 आ रहा है, ठीक है। क्या 4 और 7 में कुछ रिलेशनशिप बना सकते हो, ठीक है। 4 से हमें 7 बनाना है, चलो ठीक है। मान लो यूज़र 3 डालता है तो उसको कैसा चाहिए, 1 2 1 2 3 2 1 2 3। अब आप देखोगे 1 2 3 4 5, 3 से भाई 5 बनाना है। क्या कोई रिलेशनशिप बना सकते हो, 4 into 2 minus 1 क्या हो जाएगा, 7। 3 into 2 minus 1 क्या हो जाएगा, 5। इसका मतलब मेरे पास जो रो है, या आई जे ले लो या रो कॉलम ले लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। आई जे लेंगे और उसमें आसान पड़ता है, ठीक है। तो रो चलने वाली है कितनी भाई, एन। कॉलम चलने वाले हैं या फिर कह लो जे, इसको कह लो आई, ये कितने चलेंगे, 2 cross n minus 1। बिल्कुल सिंपल, हमने रो और कॉलम का फंडा अपने क्लियर कर लिया कि हमारी लूप कितनी चलने वाली है। अब हमारा आता है हमें प्रिंटिंग कैसे करनी है, ठीक है। यूजर ने डाला 4, हमारे पास देखो, अब हम एक काम करते हैं यार, ऐसे थोड़ा इजी पड़ेगा क्वेश्चन ऐसे समझने में, ठीक है। हम क्या करेंगे ना, इसको बॉक्स बना लेते हैं, 1 2 3 1 2 3 4 5, एक और आ जाएगा, ठीक है। चलो जी, ये हमारे पास क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4, 0 1 में नहीं लिख रहे, ठीक है। वो इंडेक्सिंग वगैरह में सही रहता है क्योंकि 0 से इंडेक्सिंग होती है। अब 1 2 3 अपना समझने में आसान रहेगा, ठीक है। हमारा जो पैटर्न बनेगा, देखो सबसे पहले पैटर्न बना लेते हैं यहाँ पर, 1 फिर 2 1 2 3 2 1 2 3 4 3 2 1 2 3 4, इस तरह का पैटर्न बन रहा है, ठीक है। ये आ रहे हैं क्या, स्पेस, ठीक है ना, ये आ रहे हैं आपके क्या भाई, स्पेस। स्पेस फिल कर देते हैं, बिल्कुल ठीक है। हम लूप चला लेंगे कितने की, 4 cross 7 की लूप चला लेंगे। वो हमें पता चल गया कि रो मेरी एन रहने वाली है, कॉलम मेरे 2 cross n minus 1 रहने वाले हैं। अब नंबर का प्रिंट करना है, देखो पहली रो है नंबर मैक्सिमम कितने प्रिंट हो रहे हैं, 1 1 वाला नंबर, ठीक है। दूसरी रो है नंबर कितने प्रिंट हो रहे हैं, 1 या 2। तीसरी रो है नंबर कितने प्रिंट हो रहे हैं, 1 2 3। चौथी रो है नंबर कितने प्रिंट हो रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है। एक बात क्लियर होती है कि जो रो है उससे ग्रेटर नंबर नहीं प्रिंट होगा उस करंट रो में, इस बात में कोई दिक्कत नहीं। चलो अब देखते हैं, पहली जो रो है उसमें जो नंबर है वो जो प्रिंट हो रहा है, ठीक है, वो कहाँ पर प्रिंट हो रहा है, मतलब उसको किस तरह से हम आइडेंटिफाई करें कि हाँ भाई इस प्लेस पर मेरा नंबर प्रिंट होगा। देखो अगर मैं इस प्लेस का ध्यान रखता हूँ, एक्चुअली जो हमारे नंबर प्रिंट होने शुरू हो रहे हैं वो इस प्लेस से शुरू हो रहे हैं। अगर मेरे को पता चल जाए कि इस प्लेस, ये प्लेस मेरा ये वाला प्लेस है, ठीक है, कोड में मेरे को पता चल जाए, मतलब कैसे कि जैसे ही मैं इस प्लेस पर आऊँ मेरे को पता चल जाए हाँ भाई वो प्लेस आ चुका है जहाँ पर मेरे को नंबर प्रिंट करना है,
ठीक है, या जहां से मेरे नंबर प्रिंट होने की स्टार्टिंग हो रही है, ठीक है, ऐसे पोर्शन में देखो आप, यहीं से ही नंबर ऐसे और ऐसे प्रिंट हो रहे हैं, यहीं से नंबर ऐसे और ऐसे प्रिंट हो रहे हैं। अगर मेरे को पता चल जाए कि हाँ भाई ठीक है उस प्लेस से लेना देना है मेरा, ठीक है, इस प्लेस, ये स्टार्टिंग पॉइंट का अगर मैं किसी तरह से लॉजिक अपना डिफाइन कर लूँ, वो मैं कैसे डिफाइन करूंगा, देखो मेरा ये प्लेस क्या रहने वाला है, फोर, ठीक है, फोर मैं कैसे निकाल लूंगा, टू क्रॉस एन माइनस वन अगर मैं करूँ तो मेरा सेवन आता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं खाली एन की बात करूँ, एन मेरे पास फोर है, इसका मतलब अगर मेरा जो जे है, जो ये जे चल रहा है जे, ये अगर एन पर आ जाता है, ठीक है, तो वो मेरा एक तरह से मिड पॉइंट है जहाँ से मेरा प्रिंटिंग शुरू हो रहा है, जहाँ से मतलब मेरा इनिशियल पॉइंट प्रिंट हो रहा है वो मेरा मिड पॉइंट है, ठीक है। फिर मैं अगर उससे देखो ये प्लेस आया, ठीक है, माँ मेरे को पता चल गया कि ये प्लेस है जहाँ से मेरी प्रिंटिंग शुरू हो रही है, ठीक है, इसका मैं एन से डिस्टेंस निकाल लूँ वैसे, ठीक है, एन माइनस जे करूँ, फोर माइनस फोर जीरो आएगा, ठीक है। हम वन बेस इंडेक्सिंग के हिसाब से बात करेंगे तो जीरो को हम मान के चलेंगे कि वो वन है, जीरो से वो जीरो इंडेक्सिंग से आप वन इंडेक्सिंग में कैसे कन्वर्ट करोगे, प्लस वन करके, आपको पता चल गया कि यहाँ पर इस प्लेस पर आके ना मेरा ये जो वैल्यू आ रही है, मतलब एन माइनस जे की वैल्यू, एन माइनस जे प्लस वन की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, वो वन आ रही है, वन आ रही है, और मेरी रो क्या है, रो भी मेरी वन है, ठीक है, इसका मतलब विद इन रेंज हूँ मैं, अगर मैं विद इन रेंज हूँ तो उसको प्रिंट करूँगा, ठीक है, आपको कन्फ्यूजन ना रहे, थोड़ा सा और आपको इसका ना इरेज करके दोबारा बताता हूँ। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि जैसे ही एन माइनस जे प्लस वन इसकी जो भी वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि ये मेरे को क्या देगा, ये मेरे को पहले वाली रो में वो पॉइंट दे देगा जहाँ से मेरे को, जहाँ पर मेरे को एक नंबर प्रिंट करना है, ठीक है, पहले वाली रो में, क्योंकि फोर माइनस, जब मेरा जे फोर होगा, जब मेरा जे फोर होगा उसमें मैं प्लस वन करूंगा तो मेरे को वन मिल जाएगा, और ये फोर पोजीशन कौन सी है जे की, ये यही वाली पोजीशन है जहाँ पर मेरे को वन प्रिंट करना है, ठीक है। यहाँ पर मेरा क्या आ गया भाई, टेम्प आ गया वन, मान लो मैंने इसको टेम्प में पुट किया, मैंने देखा कि हाँ भाई वन वाली रो है, नंबर ज़्यादा से ज़्यादा वन तक ही आ सकते हैं, और टेम्प मेरा वन है, इसका मतलब उसको प्रिंट कर दो, इसी प्लेस पर मैं वन को प्रिंट कर दूंगा टेम्प को, ठीक है। नेक्स्ट रो में आते हो आप, नेक्स्ट रो में आए आप, जब इस प्लेस पर आओगे एन माइनस जे प्लस वन, मतलब फोर माइनस थ्री प्लस वन क्या देगा आपको, टू, टू मिला। अब ये टू आप रो से कंपेयर करोगे, क्या रो की लिमिट में है, जी हाँ है, तो मतलब जिस प्लेस पर अभी आप हो वहाँ पर टू प्रिंट कर दो। देखो इसलिए हमने ये लॉजिक लिखा अपना, ठीक है, मल्टीपल लूप यूज करके हम इसको और आसान बना सकते थे, ठीक है, लेकिन हम आसान नहीं बना रहे हैं ताकि हमारी लॉजिक बिल्डिंग स्ट्रांग हो, ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं, वन, ठीक है, फिर वही काम होगा, जे क्या, एन क्या रहेगा, फोर, जे क्या रहेगा, फोर प्लस वन, फोर माइनस फोर जीरो प्लस वन वन, आप देखोगे वन क्या दो की लिमिट में है, हाँ भाई है, उससे लेस देन इक्वल है, तो यहाँ पर वन प्रिंट कर दो, ठीक है। फिर यहाँ पर एन क्या है भाई, एन क्या है, फोर, जे क्या है, पाँच प्लस वन, अब इसका ना आपको ए बी एस लेना है, क्योंकि माइनस में कुछ नहीं लेना आपको, ठीक है, आपको सब कुछ प्लस में लेना है, इसका ए बी एस आएगा वन प्लस वन क्या आ जाएगा टू, इसका मतलब यहाँ पर क्या प्रिंट कर दो, टू, आप विद इन रेंज हो, ठीक है। अगर आप किसी विदाउट रेंज वाले को पिक करते हो, मान लो आप इसकी बात करते हो, ठीक है, इसकी बात करते हो, इसमें एन माइनस जे, दो प्लस एक क्या हो जाएगा, तीन, क्या तीन दो की रेंज में है, नहीं यार उससे तो बड़ा है, ठीक है, तो आप प्रिंट ही नहीं करोगे वहाँ पर, आप स्पेस प्रिंट कर दोगे, बस सिंपल सा एक काम आपको करना है, ठीक है। अब अगर इसकी बात करें, इस वाले एक और को देख लेते हैं, ठीक है, एन क्या है, फोर, जे क्या है, वन प्लस वन, ये क्या आ जाएगा आपके पास, फोर, क्या फोर फोर की रेंज में वहाँ है, तो इसको प्रिंट कर दो, ठीक है। तो सिंपल सा हमारा जो लॉजिक बन कराया वो क्या बन कराया, फोर इंट आई कहाँ से कहाँ तक, वन टू एन, उसके अंदर फोर इंट जे कहाँ से कहाँ तक, वन टू टू क्रॉस एन माइनस वन तक, उसके अंदर अब हमें, ठीक है ये वाले हटाते हैं, उसके अंदर हमें एक चीज़ चेक करनी है, एक टेम्प निकाल लेना है, जो कि क्या होगा, मैंने आपको बताया एन माइनस जे का ए बी एस प्लस वन, ये आ गया मेरे पास टेम्प, अगर आई से लेस या इक्वल है क्या टेम्प, तो क्या कर दो, प्रिंट कर दो किसको, टेम्प को, ठीक है, एल्स प्रिंट क्या कर दो, स्पेस, ठीक है। तो सिंपल सा ये काम कर रहे होंगे, हमारा अपना लॉजिक बन चुका है, ठीक है, सिर्फ इसको जाकर करना है आप कोड, अभी चलते हैं अपना कोड की तरफ। अब देखो जी हमारा लॉजिक क्या है, सबसे पहले हमें यूजर से लेना है एन, ठीक है, यूजर ने हमें दे दिया जी एन, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद हमें क्या करना है, और
इंट आई इक्वल टू जीरो वन से, ठीक है, जीरो से नहीं चलाएंगे, आई इक्वल टू एन आई प्लस प्लस, ठीक है, बाहर वाली लूप इनसाइड वाली वन टू टू क्रॉस एन माइनस वन, ठीक है, और इंट जे इक्वल टू वन जे लेस देन इक्वल टू टू क्रॉस एन माइनस वन जे प्लस प्लस, बिल्कुल ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें एक टेम्प निकालना है, जो क्या होगा जी, ए बी एस ऑफ एन माइनस जे प्लस वन, ठीक है। अगर ऐसा होता है कि टेम्प लेस देन इक्वल टू रह जाता है आई से, तो क्या कर दोगे, सी आउट कर दोगे जे को, ठीक है, एल्स में सी आउट करोगे किसको, एक स्पेस को, ठीक है, आर आकर तो एक लाइन आप नीचे जाओगे ही, ठीक है, एक बार चेक करो, ये लॉजिक लिखा था क्या, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, यहाँ पर जे नहीं बस यहाँ पर टेम्प आएगा, ठीक है, वन आ रहा है, वन टू आ रहा है, टू उस तरह से, ठीक है, एक बार ने इसको चला कर देखते हैं अभी क्या कह रहा है ये, ठीक है, इसमें ना पाँच एंटर करते हैं, तो देखो वन टू वन टू थ्री टू वन टू थ्री फोर थ्री टू वन टू थ्री फोर, बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है, अगर एक एक स्पेस दे दे तो अच्छा रहेगा, है ना, एक एक स्पेस दे दे, तो अगर हम यहाँ पर सिर्फ स्पेस देते हैं तो देखते हैं कुछ बिगड़ेगा क्या, ठीक है, वो मेरे को लग रहा है कुछ बिगड़ जाएगा, देख लेते हैं फिर भी, ठीक है, पांच एंटर करते हैं, हाँ है ना, इंडेंटेशन बिगड़ गई, इसलिए बिगड़ी, मैं बताता हूँ आपको क्या कारण रहा है इसका, इसको क्रॉस करते हैं, क्योंकि देखो एक स्पेस ये डला हुआ था जहाँ पर कोई चीज़ नहीं आएगी, ठीक है, जब आप हर दूसरी जहाँ पर चीज़ आएगी वहाँ पर भी स्पेस डाल रहे हो, ठीक है, तो इंडेंटेशन अपनी बिगड़ने के चांसेस है, किस कारण, देखो इधर आ जाओ, ठीक है, इधर देखते हैं, एक एक स्पेस चल रहा है, ठीक है, तीन स्पेस यहाँ पर हुए, तीन स्पेस उसके बाद तीन स्पेस यहाँ पर होंगे, लेकिन ये वाला जो एक आएगा, एक कल्ला नहीं आएगा, ये अपने साथ में एक स्पेस लेकर आएगा, तो इस जगह पर एक स्पेस और एक्स्ट्रा आ जाएगा, ठीक है, इस साइड में चार स्पेस हो जाएंगे, तो इसलिए वो अपना जो सिस्टम है वो बिगड़ रहा है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इसको रिफैक्टर कर सकते हैं, अगर हमें स्पेस साथ में देना है, देखो हम अभी कैसे आ रहा है, वन टू थ्री, फिर वन आया, वन के साथ एक स्पेस आया, फिर आगे तीन स्पेस और आ रहे हैं, तो इसलिए बिगड़ जा रहा है, हम क्या करेंगे, इनको एक एक स्पेस की जगह दो दो अगर दे दें, ठीक है, वन टू वन टू वन टू, फिर वन के साथ एक स्पेस, फिर वन टू वन टू वन टू, ठीक है, अगर आप देखोगे अब ये पोर्शन एक बराबर बीच में ये पोर्शन, ठीक है, तो मतलब जहाँ पर हम एक स्पेस दे रहे हैं वहाँ पर क्या कर देंगे, दो स्पेस दे देंगे, ठीक है, क्योंकि जब कुछ एक्चुअल में प्रिंट हो रहा है तो वो दो जगह ले रहा है, ठीक है, और जब एक्चुअल में कुछ प्रिंट नहीं हो रहा था तो वो एक जगह ले रहा था, हम उसको भी एक की जगह दो जगह बना देंगे, ठीक है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, ठीक है, आपकी मर्जी है, स्पेस वाला करना है स्पेस वाला करो, बिना स्पेस वाला करना है बिना स्पेस वाला करो, ठीक है, अब ये सही चल जाएगा क्योंकि हमने दो स्पेस डाल दिया, ठीक है, अभी करके देखते हैं इसको, पांच इनपुट डाल लेंगे इसमें, पांच के साथ देखेंगे क्या आएगा, पांच, है ना, अब बिल्कुल सही है ना, अच्छा भी लग रहा है, अब सही चल रहा है, तो गाइस अभी आप अपनी पुरानी वीडियो भी देख सकते हो, जो तीन वीडियो आ चुके हैं, ठीक है, ये अपनी फोर्थ वीडियो है, आगे और धीरे धीरे हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते चलेंगे, ठीक है, और एक टास्क आपके लिए ये है कि आपको कुछ इस तरह का पैटर्न, ठीक है, एक नया पेज ले लेते हैं, ठीक है, इससे ही रिलेटेड टास्क है, आपको बनाकर लेकर आना है, ठीक है, हमारा जो भी पैटर्न था वो कैसे था, वन टू वन टू थ्री टू वन टू थ्री, ये था, आपको इसको कन्वर्ट किस में करना है, थ्री थ्री टू टू थ्री टू टू वन वन, आपको ऐसा पैटर्न बनाना है, ठीक है, अगर आपका बन जाए तो आप कमेंट सेक्शन में डाल भी सकते हो कोड, नहीं डालोगे तो भी चलेगा, ठीक है, मेन बात है आपकी प्रैक्टिस, और गाइज मिलते हैं आपसे अपनी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।